हेलो एरी वन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू सक्सेस ट्री माई नेम इज जस्करन सिंह आई होप मैम आई एम ऑडिबल आवाज आ रही होगी सभी को लेट मी चेक ओके सब ठीक है चलिए फिर वेरी वॉम्स ग्रीटिंग टू ऑल तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं तो देखते हैं करंट अफेयर जो हम कवर करने जा रहे हैं करंट अफेयर की बात करें आज की तारीख क्या है आज है बारह जनवरी और दिन आज कौन सा है थर्सडे है आज का दिन तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है सबसे पहले इंडिया टू डिप्लॉय लार्जेस्ट कंसाइनमेंट ऑफ वुमेन्स पीस कीपिंग कीपर्स इन सुदान अब इंडिया के तरफ से क्या हुआ है एक लार्जेस्ट कंसाइनमेंट भेजी गई है वो भी किसकी वुमेन्स की वो भी किसकी वुमेन्स किस की? किस की? किस की कहां पर सुदान में किसके लिए किस पर्पज के लिए पीस कीपिंग के लिए किस पर्पज के लिए पीस कीपिंग के लिए ठीक है इंडिया की जो एक कंसाइनमेंट गई है इसमें क्या है सारी की सारी वूमे इस कंसाइनमेंट में क्या है सारी की सारी ऑफिसर मतलब आ, आर्मी पर्सन है या पुलिस पर्सन कह लो कुछ भी कह लो ऐसे भी कुछ बोल सकते हो लेकिन यहां पर लिखा है लार्जेस्ट चलो वो तो ठीक है क्या यह अभी तक का सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया की तरफ से जो भेजा गया है यह सबसे पहली बार भेजा गया तो नहीं इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि इंडिया ने वुमेन कंसाइनमेंट भेजी थी पीस कीपिंग के लिए वो कब भेजी थी तो हमारे पास क्या आ जाएगा कहां पर लीबिया में कहा पर लीबिया में -i -b -i -a, है? लीबिया वहां एल आई बी आई ए तो जो ये कंसाइनमेंट भेजी जाती है पीस कीपिंग पर्पज के लिए वो सारा का सारा किसके अंडर आता है यूएन के अंडर आता है किसके अंडर आता है यूएन के अंडर आता है ठीक है तो ये भी एट एड मतलब यूएन के लिए काम कर रहे हैं जितने भी ये सारे के सारे ऑफिसर हैं किसके लिए काम कर रहे हैं यूएन के लिए काम कर रहे हैं ठीक है तो इनका मेन काम क्या है वहां पर पीस को मेंटेन करना क्या करना है वहां पर पीस को मेंटेन करना तो ये इंडिया की तरफ से दूसरी बार गया है सेकेंड टाइम गया है इंडिया परमानेंट मिशन टू यू ठीक है इंडिया क्या चाहता है कि वो भी मतलब यूएन का परमानेंट पार्ट बढ़े ठीक है जैसे मतलब अगर आप जो हमारे सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी टेम्प्रेरी मेंबर्स हैं हम इंडिया तो उसमें भी चाहता है इंडिया के हम भी वहां पर परमानेंट मेंबर बने ठीक है तो ऐसे कुछ मतलब चाहता है तो जिसकी वजह से मतलब कुछ ऐसे एफर्ट्स करने बैठते हैं जैसे इंडिया ने पहले भी कंसाइनमेंट भेजी है वुमेन की ठीक है वो भी मतलब सोल्जर कहाँ पर जो डिप्लॉय थे हुए थे ठीक है उसकी बात करें ठीक है अब अगर इसकी बात करें तो जो इंडिया की तरफ से हुआ गया है तो इसमें मतलब अगर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी में दो ऑफिसर रहेंगे और ट्वेंटी फाइव अदर जो रैंक के पर्सन है या आर्मी पर्सन है या पुलिस मैन है वो रहेंगी मतलब टोटल एट द एंड कितने होंगे है? हमारे पास ट्वेंटी सेवन है जो क्या है लार्जेस्ट माना जा रहा है अब तक का ये किसका पार्ट होगी ये यू एन आई एस एफ ए जो टास्क फोर्स है उसका पार्ट रहेंगी वो कौन जो ये सारी की सारी पुलिस फोर्स है जो वुमेन ये पीस कीपर है ये किसका किसका पार्ट रहेंगे इनका ये पार्ट रहेगी ठीक है वो इनका जो काम क्या होगा जो जिसमें सबसे स्पेशल है कम्युनिटी आउटरीच क्या करना है इन्होंने वहां पर पहुंचना है मतलब हर चीज को इन्होंने मेंटेन करना है परफॉर्म उस तरीके से करना है सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क होगा जो उन्होंने करना है दिस स्कॉ विल बी डिप्लॉयड इन अबाई रीजन ऑफ सुदान किसके रीजन में सुदान के कौन से रीजन में भेजा जाएगा इनको तो हमारे पास क्या एबाई रीजन में भेजा जाएगा सुदान को ठीक है वहां पर अगर बात करें वहां पर इनको ने क्या चीज पर फोकस करना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे ठीक है दो अलग अलग चीजों पर, पर जो बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है नॉर्थ और साउथ बॉर्डर के जो सुदान के है वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस चीज पर आ, मतलब आ, ध्यान रखना निगाह रखनी है मतलब निगाह से मेरा मतलब है कहने का सर्वेलेंस रखनी है ठीक है मॉनिटर करना है ये सारी चीजें करना और जब भी जरूरत है कोई एड देने की या कोई हेल्प करने की तो वो सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड पर करनी है ठीक है UNISFA एस एफ ए अब है क्या यू एन आई एस एफ ए की बात करें तो यह सिक्योरिटी काउंसिलेशन के थ्रू बनी थी जो ये रेजुलेशन के थ्रू बनी थी तो रेजुलेशन कब हुई थी रेजोल्यूशन थी ठीक है रेजुलेशन कब की थी 1990 की रेजुलेशन थी और ये फॉर्म कब हुई थी फॉर्म ये मतलब ऑलमोस्ट ट्वेंटी बीस साल के बाद यह बनी थी ठीक है कब दो में ठीक है रेजुलेशन कौन सी है 1990 नाइनटी के अंडर यह बनी थी इसका काम क्या है कि इमीडिएटली जो भी पीस कीपिंग के लिए जो भी एफर्ट्स होंगे उनके लिए फटाफट वहां पर सामान भेजा जाए सामान से मेरा मतलब है कि अगर एड चाहिए कोई पीस कीपिंग फोर्स चाहिए ऐसा कुछ भी चाहिए वो चीज भेजा जाए अगर लेकिन अगर इस टाइम की बात करें इस टाइम हम किसकी बात करें एबाई रीजन की बात करें वो अगेन कहां पर है सुदान में जहां पर हमने अभी भेजा था ठीक है उसी के पर्पज़ के लिए ये पहले भी क्या बनी हुई थी ठीक है यू इसी पर्पज़ के लिए स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट हुई थी तो इनका मेन पर्पस भी यही था सुदान, को कर, सुदान का जो मतलब वहाँ पर जो चल रहा था माहौल उसको लेकर यह चीज को फॉर्म किया गया था कि जो भी डेडली क्लैशिज हो रही हैं ठीक है जो भी मतलब काउंसिल डिसीजन ले रही है उनका मेन काम क्या था कि मैक्सिमम चीज को सेव किया जाए अब इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कुछ इस तरीके से है कि जो भी मतलब इंडिया की तरफ से आर्मी मैन गए ने मतलब जैसे ये वुमेन्स की कंसाइनमेंट गई है उसने ट्वेंटी सेवन अराउंड वूमेंस है ठीक है वो सारे के सारे किसके अंडर काम करिए हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा यूएन के अंडर काम करिए लेकिन वो सारे के सारे एट दी एंड तो है तो इंडिया के ही है तो इंडिया की तो इसमें कुछ नंबर्स की बात कही है कि जितने पिछले कुछ सालों में इंडिया के आर्मी मैंस या पुलिस पर्सन ठीक है जहाँ यू पुलिस फोर्स में काम कर रहे हैं वो सारे के सारे इंडिया में वो नंबर की बात किया कि इन्होंने कितना सर्व किया है और कितनों की डेथ हो गई ठीक है इतना डिटेल में हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे लेकिन अगर बात करें हम नाइनटीन की वुमेन सर्विंग इन द इंडियन आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस वर इंटरव्यूड बाई यू रेडियो इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि 1960 में जो वुमेन्स थी जो मतलब आर्मी मेडिकल्स में काम कर रही थी या जो आर्मी में मेडिकल टीम होती है उसमें काम कर रही थी तो उस उन वुमेन्स की भी इंटरव्यू ली गई थी किसके द्वारा यूएन के द्वारा मतलब यूएन का स्टार्टिंग से ये कुछ ऐसा मतलब प्लान था कि उन चीजों को हम रिक्रूट करते रहें टाइम टू टाइम ठीक है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जैसे आपको पहले ही बताया था ये पीस कीपिंग फोर्स थी ठीक है ये कब बनी थी अगर उसका ध्यान दें तो 1948 में बनी थी अब ये देखो इस चीज़ पर आपको पूरा इजीली लिंक कर पाओगे कि ये 1948 को ही क्यों इस्टेब्लिश हुई देखो नेक्स्ट चीज़ देखो नाइनटीन में एक और वार चल रही थी कौन सी अरब और इसराइल वॉर चल रही थी अब इसराइल की अगर मैं बात करूं इसराइल कब इसराइल को इंडिपेंडेंस कब मिली थी या इसराइल कब फॉर्म हुई थी या इसराइल एज ए कंट्री कब बनी थी तो हमारे पास क्या आ जाएगा नाइनटीन फोर्टी एट को ही बनी थी कब बनी थी 1948. तो इसराइल क्या है पैलेस्टाइन से अलग हो चुका था ठीक है इसराइल क्या है पैलेस्टाइन से अलग हो चुका था जिसकी वजह से जूस और अरब्स उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई थी मैक्सिमम जो कंट्रीज़ थी इसराइल के आस पास वो सारी की सारी अरब नेशंस थे ठीक है जिसकी वजह से वो सारे के सारे इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मान नहीं चाहते थे वो मतलब इसराइल को ऐसे मतलब एट दैट टाइम मतलब पूरा ख़त्म कर देना चाहते थे थी। ठीक है जिसकी वजह से ये सारी की सारी वॉर स्टार्ट हुई थी वॉर शुरू चल चल रही थी और उसकी वजह से यूएन की तरफ से पीस कीपिंग फोर्स ये स्टार्ट की गई थी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बात करें जैसा हमने पीछे देखा दिसंबर में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी फॉर्म हुआ था ठीक है अब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बात करें इसमें कौन कौन सी कंट्री आ जाती है इंडिया बांग्लादेश इजिप्ट फ्रांस मोराको नेपाल ये सारी कंट्री आ जाती हैं इनमें क्या था मतलब जो भी मतलब पीस कीपिंग के अगेंस्ट पीस कीपर जो पुलिस फोर्स है उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेगा तो मतलब हम क्या करेंगे आ, उनके अगेंस्ट मतलब वो कर सकते हैं आ, ऐसे ऑफिशियल फाइल चार्ज कर सकते हैं या मतलब ऑफिशियल उनको आ, मतलब जेल में कर सकते हैं ठीक है मतलब एक्शन ले सकते हैं ठीक है अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन किसी भी यूएन के पर्सन पर जाके अटैक करे इन दैट फॉर्म ओके चलिए आगे देखिए हमारे पास क्या है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड लॉन्च बाय वर्ल्ड बैंक फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ब्लैक राइनोस अब ब्लैक राइनोस की प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक राइनोस की प्रोटेक्शन के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ लोन दिया जा रहा है लोन से बेटर मैं ये कहूंगा, क्या किया जाए एक बॉन्ड साइन हुआ है ठीक है दोनों के बीच में बॉन्ड साइन हुआ है किसके हुआ है एक तो वर्ल्ड बैंक हो गया दूसरा हमारे पास क्या आ गया डब्ल्यू अब डब्ल्यू क्या है वर्ल्ड डब्ल्यू वैसे लिखा है वर्ल्ड कंजर्वेशन बॉन्ड क्या है वर्ल्ड कंजर्वेशन बोर्ड ये इशू किया गया है किसके बीच में एक तो वर्ल्ड बैंक होगा उसके बीच में दूसरा हमारे पास क्या है जो साउथ अफ्रीका एफर्ट कर रहा है इस चीज को सेव करने के लिए किस चीज को सेव करने के लिए इन ब्लैक राइनोस को सेव करने के लिए जो साउथ अफ्रीका एफर्ट्स कर रहा है उसके लिए ये चीज साइन हुई है अब डब्ल्यू को क्या बोला जाता है जैसे आ, देखो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड है ठीक है ये एक स्पेशल बोन्ड बना है ठीक है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिए तो इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एंडेंजर्ड एनडेंजर्स में आ रहे हैं राइनोस किस में आ रहे हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रहे हैं ठीक है तो जो सारा का सारा पैसा दिया इसको राइनो बॉन्ड भी बोला जाता है क्या राइनो बॉन्ड भी इनको बोला जा सकता है ठीक है इसको इस नाम से भी जाना जाता है कि डब्ल्यू सी बी को हम राइनो बोंड भी बोल सकते हैं क्यों क्योंकि जो भी पैसा दे रहा है किसकी तरह क्यों दे रहा है क्योंकि राइनोस को सेव करना है ब्लैक्स डाइनोस को हमने सेव करना है अब पांच सालों में पांच सालों में कितना पैसा देना है वन फिफ्टी मिलियन रुपीस रुपीस तो नहीं डॉलर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे ठीक है फाइव ने पांच डेढ़ सौ मिलियन तक का जो डॉलर सा वो दिए जाएंगे ठीक है राइनो बोन्स में ठीक है किसको साउथ अफ्रीका ताकि उसको सेव कर सके और इसकी एक रिटर्न पॉजिटिव भी है कि जो इन्वेस्ट किए हैं ये सारे के सारे डेढ़ सौ मिलियन तो या तो मतलब थ्री परसेंट या नाइन परसेंट तीन और ना नौ परसेंट के बीच बीच में कुछ परसेंटेज रखी जाएगी जिस पर इनको रिटर्न करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज़ भी है कि हम आ, ऐसा भी है कि अगर ब्लैक राइनो सेव ना हो अगर ब्लैक राइनोस सेव ना हुए तब जो भी पैसा दिया गया है वो कोई भी आपको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी पैसा आपको दिया गया है वो कुछ भी आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है ये चीज़ भी स्पेशल लिखी गई है ठीक है अब ब्लैक राइनोस की बात करें तो ये मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारी ऐसी नेशंस हैं जहां पर ये पाए जाते हैं तो उन सारी नेशन की हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी आ जाएंगी हमारे पास आ गई देखो गई तंज़ानिया नीबिया साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे ये सारी वो रेशन है जहाँ पर ब्लैक राइनोस पाए जाते हैं ठीक है आ, पेमेंट जो पेमेंट होगी किसके द्वारा देखी जाएगी हमारे पास ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी है उसके द्वारा देखी जाएगी कि प्रॉपर तरीके से स्पेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा पोटेंशियल जो परफॉर्मेंस है ठीक है आ, हाँ अगर आप हम देखें जो ब्लैक राइनोस है उनके देखें तो दो अलग अलग एरियाज में ज़्यादा पाया जाता है दो अलग अलग प्रोटेक्टेड एरिया रखे गए हैं जहाँ पर इनको मतलब कंज़र्व किया जाएगा ठीक है जहां पर इनको कंजर्व किया जाएगा वो दो एरिया है वो भी साउथ अफ्रीका में है दो नेशनल पार्क ही है वैसे सबसे पहले जो साउथ अफ्रीका में कौन कौन से है पहला है आर्डो एलिफेंट नेशनल पार्क पहला क्या, क्या कौन सा है आर्डो नेशनल एलिफेंट पार्क ठीक है सॉरी आर्डो नै, एलिफेंट नेशनल पार्क दूसरा है ग्रेट फिश रिवर नेशनल रिजर्व दूसरा कौन सा है ग्रेट फिश रिवर नेशनल रिवर तो ये दो ही ऐसे नेशनल पार्क हैं ठीक है जहां पर इन दो राइनोस को है जो ब्लैक राइनोस है उन पर सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन का काम चल रहा है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर ब्लैक राइनोस की बात करें तो उनका एक साइंटिफिक नेम भी है क्या है उनका एक साइंटिफिक नेम भी है साइंटिफिक नेम क्या है उनका डिकैरोस बी डिकेरोस डिकरोस बाइकोर्निस तो ये क्या उनका साइंटिफिक नेम है ब्लैक राइनोस का गुड मॉर्निंग क्या नाम है आपका जिंतराद आई होप कि मैंने आपका सही नाम सही से बोला ठीक है जिंतराद ओके वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक Game...

वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीव मेनुस्क्रिप्ट म्यूजियम स्टार्टेड इन केरला कहां पर स्टार्ट किया गया केरला में स्टार्ट किया गया कहां पर केरला में तो केरला में कौन सी जगह केरला के अंदर भी तो बहुत सारी लोकेशन है तो हम हम क्या करेंगे जो केरला की कैपिटल है कौन सी त्रिवेंद्रमपुरम कहां पर त्रिवेंद्रमपुरम वहां पर ये चीज को मतलब स्टार्ट किया गया ये या ठीक है त्रिवंतमपुरम में ये चीज मतलब म्यूजियम है वो, वो म्यूजियम बना गया अब अगर इस म्यूजियम की बात करें इस म्यूजियम पर जो मेन फोकस है किसके लिए किया जा रहा है कि जो चीज जैसे हमने मेनुस्क्रिप्ट की बात की जो मेनस्क्रिप्ट है जो लीफ पर लिखे हुए मेनुस्क्रिप्ट है कहां पर एक पत्ते पर पा, पाम ट्री का जो पत्ता होता है उस पर मतलब मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई चीजें हैं जो अभी तक उन्होंने मतलब संभाल कर रखी तो उस चीज के क्या कर रहे हैं वो जो उनका कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे हैं ठीक है जो कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे हैं और एजुकेशन दे रहे हैं ठीक है जो पुरानी चीज़ें लिखी हुई हैं उन चीज को मतलब डिकोड किया जा रहा है वो चीज़ एजुकेशन के तौर पर प्रोवाइड की जा रही है तो ये सारी की सारी चीज़ों की शुरुआत की अगर बात करें तो किस चीज़ पर फोकस हो रहा है तो जहां पर अगर हम केरला की बात करें उस जगह की बात करें जहां पर ये म्यूजियम है म्यूजियम को छोड़ो हम केरला की बात करें वो उस टाइम पर ना स्टार्टिंग में एक वहां पर किंगडम होती है जिसको फर्स्ट किंगडम बोला जाता है फर्स्ट किंगडम इन एशिया जिसको सबसे पहली किंगडम बोला जाता एशिया में ठीक है उस किंगडम का नाम क्या था उस किंगडम का नाम क्या था त्रावेनकोर क्या त्रावेनकोर वो किंगडम का नाम था ठीक है उसकी मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच बीच में जो ये पाम लीफ पर जो लिखा हुआ है वो इसी किंगडम में लिखा जाता था तो ये इकलौती ऐसी किंगडम है एशिया ने जिसने जो यूरोप की आर्मी थी या यूरोप की पावर थी उनको क्या कर दिया डिफीट कर दिया उनको हरा दिया इंडियन सोइल पर कहां पर इंडियन सोइल पर एशिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जिन्होंने मतलब यूरोपियन को हराया था ठीक है किसकी बात कर रहा हूं मैं जो ये कर, मतलब किंगडम थी उसकी बात कर रहा हूं अब जो ये सारा का सारा मतलब हमने मेनुस्क्रिप्ट की बात करें जो पत्ते पर लिखी हुई चीजें हैं वो सारी की सारी इसी किंगडम से मिली है वो सारी की सारी इसी किंगडम से मिली है ठीक है जो इस म्यूजियम की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा म्यूजियम है ठीक है जहां पर पाम लीव की मेन्यूस्क्रिप्ट पाई जाती हैं ठीक है और इसमें और कौन कौन, कौन सी चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के रिलेटेड है सोशियो कल्चरल ठीक है इकोनॉमी एस्पेक्ट ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पाई जाएंगी कौन से किंगडम के त्रावेकोर किंगडम के बारे में ठीक है अब त्रावेंको किंगडम की बात करिए तो छः साल अ, मतलब अगर देखा जाए तो उसे इतने टाइम हो चुका है इसको खत्म हुए हुए ठीक है नाइनटीन सेंचुरी तक ये मतलब चला था लास्ट टाइम कब चला था नाइनटीन सेंचुरी तक चला था ठीक है मतलब अराउंड ऐसे कह लो कि 1200 से मतलब 1800 तक ये ऑलमोस्ट ये चला था इसने मतलब काम किया था ठीक है जो अब के टाइम पर जिसको हिस्ट्री ऑफ कोची भी बोला जाता है जहां पर हार्ट ऑफ इसको छोड़ो ठीक है मालावाल रिजल्ट ठीक है अब देखो जो ये मैनुस्क्रिप्ट दी गई है जो ये म्यूजियम में मैक्सिमम चीजें आपको मिली गई हैं अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक जो सारी चीजें मिली गई हैं वो सारी को रीड किया जाएगा मैनिस्क्रिप्ट द म्यूजियम इज ऑल्सो एज द इंफॉर्मेशन अबाउट फेमस जो फेमस बैटल हुई थी जो बैटल की बात की थी ना हमने कौन सी बैटल बैटल हो ऑफ कोलाचल किस बैटल की बात करें बैटल ऑफ कोलाचल उस चीजों की भी हिस्ट्री में ये चीजें पता चली गई जहां पर जो राजा थे थी, ठीक है जो किंगडम के किंग थे किंगडम के किंग हमारे पास कौन से थे किंग अनिजम थीरुनल थी कौन से ये किंग थे ठीक है जिनकी बारे में बात हो रही है जो इस टाइम पीरियड के मतलब रहे थे किंग रहे थे किसकी कौन सी चीज़ की बात कर कराऊँ थ्रावेन कोर किंगडम की बात कर रहा हूं उसके जो किंग रहे थे इस टाइम पीरियड के ठीक है तो इनके बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता है इन्होंने ही मतलब यूरोपियन जो थी उनको डिफीट किया था जो यूरोपियन इन्वेड कर रहे थे इंडियन सोइल्स में ठीक है कहां पर है अगर देखा जाए हमारे हमारे पास चील तो मतलब तमिलनाडु से 20 किलोमीटर है ठीक है? 187 ठीक है जो लास्ट वीक जब ओपन हुआ था तब जो ऑलमोस्ट दो सौ के आसपास मेनुस्क्रिप्ट वहां पर अवेलेबल थी ठीक है माइनो स्टोरीज बेड प्राइमरी सोर्सेज मतलब प्राइमरी सोर्सेज का मतलब है जहां से हमें खाने को मिलता है वो सारी चीजों पर बात की थी प्राइम Sources, कौन कौन से है? ठीक है ये भी हो सकता है कि प्राइमरी सोर्स इसकी बात की है। जहां से ये लिखी है, कैसे लिखी गई क्यों लिखी गई सारी चीजों की बात की हो, की जा सकती है इसमें। हमारे पास क्या है इू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जैसे इंडिया में पद्मश्री पदम, पदम भूषण और पद्म विभूषण दिया जाता है वैसे ही आसाम में भी ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं अब जो असम में ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है उनको बोला जाता है असाम भैभव असाम सौरभ और असाम गोरव इनको ये नाम से बोला जाता है अब ऐसा भी है कि इसको हमेशा असाम ना बोला जाए असोम भी बोल सकते हैं। क्या ए एस ओ एम ठीक है अगर मैं बात करूं ए एस ओ एम असाम भैभव की बात करूं तो असाम भैभव का जो इस बार का अवार्ड है वो किसको मिला बी यहां पर एच नहीं आएगा वैभव असाम बेबव का स्कॉलर का अवार्ड है जो मिला है डॉक्टर तपन को किसको डॉक्टर तपन को अब डॉक्टर तपन ने क्या किया कैंसर के स्टडी के रिलेटेड इन्होंने बहुत सारी ऐसी मतलब काम किए हैं ठीक है आसाम में जिसकी वजह से इनको कौन सा अवार्ड मिला है आसाम बेबव का अवार्ड मिला है। अब आसाम बेबव की बात करें तो इस अवार्ड में कैश प्राइज भी मिलता है कितना 5 लाख का 5 लाख का इसमें कैश प्राइज भी मिलता है किसमें आसाम बैव में लेकिन ऐसे अगर मैं सौरभ की बात करूं सौरभ में कितने में का मिलेगा चार लाख का अगर मैं गौरव की बात करूं उसमें कितने का मिलेगा तीन लाख का अवार्ड मिलेगा जैसे कि पद्म विभूषण की बात करें उसको क्या बोला जाता है उसको मतलब हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड बोला जाता है कंट्री का उसी वजह से असाम भैव को भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बोला जाता है किसका स्टेट का स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बोला जाता है क्योंकि इन्होंने कैंसर की स्टडी के रिलेटेड बहुत सारा काम किया था ठीक है हाँ जी आ, ये आपको बता दिया ठीक है अब असम सौरभ की बात करें तो असम सौरभ है जो पांच अलग अलग पर्सन को ये अवार्ड दिया गया वो पर्सन कौन कौन से हमारे पास पहले कौन है कृष्णा राव जिसने जिन्होंने एक थिएटर है उसकी मतलब प्रोड्यूस किया था ठीक है दूसरे पर्सन की बात करें तो फुटबॉल प्लेयर है कौन है गिलबर्टसन ठीक है तीसरे पर्सन की बात करें जो लॉन प्लेयर है उनका नाम क्या है नायन मोनी ठीक है चौथे पर्सन की बात करें जो साइंटिस्ट है डॉक्टर बिनोय एंड डॉक्टर शशिदर ये पांच पर्सन है जिनको ये अवॉर्ड दिए गए हैं ये सारे, सारे के सारे अवार्ड असम के सीएम है कौन है हमारे पास असम के सीएम मिस्टर बिस्वा उनके द्वारा ये सारे के सारे मतलब आ, वो दिए गए हैं अवार्ड सभी को ठीक है हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड चलो ये कैश मनी बारे आपको सबको बता ही दिया ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है जयदेव उन आ, उनादत का क्रिएट हिस्ट्री इन रंजीत ट्रॉफी टेक हैट्रिक इन दी फर्स्ट ओवर देखो हिस्ट्री क्रिएट किया क्योंकि रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी में इन्होंने क्या किया है सबसे पहले ओवर में ही इन्होंने हैट्रिक ले ली सबसे पहले ओवर में ही इन्होंने हैट्रिक ले ली अब देखो क्वेश्चन जो हमारे पास ये बनेगा कि ये कौन सी टीम से बिलोंग कर दे तो हमारे पास क्या आएगा ए यू आर एस टी एच आर ए ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने जिस टीम के अगेंस्ट मैच किया था वो कौन सी टीम की वो दिल्ली की टीम थी कौन सी टीम थी वो दिल्ली की टीम थी तो इसमें इतना इनफ है हमारे लिए ठीक है और मतलब कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ये कौन से ओवर में किस किस की विकेट ली है ठीक है इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल स्टार्ट बाई दिसंबर दो

कितना थर्टीन मीटर तक का डिस्टेंस है वो ये मेट्रो क्या रहेगी अंडर वाटर चलेगी लेकिन अगर मैं सिंपल बात करूं अंडरग्राउंड की तो अंडरग्राउंड हमारे पास क्या थर्टी थ्री मीटर है जो क्या रहेगा अंडरग्राउंड रहेगा जो क्या रहेगा अंडरग्राउंड रहेगा नीचे चलेगी लेकिन पानी के नीचे नहीं होगी पानी के नीचे वाला कितना डिस्टेंस होगा तेरह मीटर का होगा ठीक है और नॉर्मल बिना पानी के बात करें तो कितना होगा हमारे पास वो तैतीस मीटर होगा अगर मैं पूरे की बात करूं अगर जो ऑन सरफेस चलेगी ठीक है वो हमारे पास कितना होगा वो हमारे पास ऑलमोस्ट मतलब आ, पूरे का पूरा देखा जाए तो पंद्रह सोलह के आसपास आ जाता है ठीक है अब इसमें फर्दर तो और कुछ खास है नहीं हाँ अगर मैं ये चलेगी कहाँ वेस्ट बंगाल में चलेगी वेस्ट बंगाल में कहाँ पर कोलकाता में कोलकाता में अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो हावड़ा से शुरू होगी कहाँ पर शुरू होगी हावड़ा से शुरू होगी कहाँ पर चलेगी सीलधा तक चलेगी यहाँ पर लिख देता हूँ एच ओ डब्ल्यू हावरा से लेके सीलधा तक ये ट्रैवल करेगी और ये पूरे का पूरा कितना डिस्टेंस होगा मतलब फोर्टीन मिनट्स मिनट्स लेगा ये कितना लेगा 14 मिनट्स लेगा और इस चीज को सारे का सारे का ये ट्रेवल करेगा ठीक है यूरोप से लंदन से ठीक है पेरिस से कॉरिडोर से वहां से इन्होंने ये सारा कुछ मतलब लिया था क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही काम किया हुआ है ठीक है मेट्रो की हमें जरूरत नहीं है नेक्स्ट

ठीक है तो ये सारी चीजें ऑलरेडी ऐड कर दी गई हैं पीडीएफ में ठीक है अगर आपको नहीं पता तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो लेकिन अगर आप पहले पहले अगर हम इस मैच की बात करें तो ये सेवेंटी नाइन्थ ग्रैंड मास्टर कब बने कैसे बने तो इन्होंने एक मैच खेला था कहां पर मैच खेला था वो जो मैच हुए थे कहां पर हुए थे यहां पर लिखा होगा स्वीडन नहीं लिखा हुआ तो बैकग्राउंड में जो ये लिखा आ रहा है इसमें कहीं पर लिखा नहीं हुआ तो स्वीडन में ये मैचेस हो रहे थे ठीक है वो जो विनर बने किसके मिले, मिले थे है? आ, रिल कप होता है स्वीडन में होता है ठीक है उसके जो विनर बने थे जिसके बाद मतलब इन, 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 इनके ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्लस जो इनके पॉइंट्स थे वो अचीव हो चुके थे ठीक है जिसकी वजह से ये क्या बन चुके हैं ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं ठीक है थीक्या? अब फर्दर जो ये मतलब रिंटन कप है ये कप कौन ऑर्गेनाइज कराता है तो उसके हमारे पास हमारे पास क्या आ जाएगा जो फाइड है ठीक है वो ही इसको ऑर्गेनाइज कराती है फाइड इसको ऑर्गेनाइज कराती है ये मैचेस हर साल दिसंबर और जनवरी के टाइम पीरियड में होते हैं दिसंबर और जनवरी के टाइम पीरियड में अराउंड इसी मतलब इस टाइम पीरियड पर ही ये मैचेस को कंडक्ट किया करवाया जाता है ठीक है स्वीडन में होते है, हैं ठीक है प्रकेश एम विनर बने इस कप के चलो ठीक है हाँ अगर देखा जाए सेवंटी एट सेवेंटी सेवन और सेवेंटी सिक्स ठीक है जैसे मैंने वहां पर लिखा था बताना भूल गया जल्दबाजी में आगे गया, आ गया ठीक है तो इसकी बात करें अगर देखा जाए तो हमारे पास ये सेवेंटी नाइन्थ है तो सेवनटी एट की बात करें सेवेंटी एट हमारे पास क्या है उनका नाम है कौशव चैटर्जी है ठीक है जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले ठीक है उसके बाद आदित्य मित्तल जी और लास्ट सेवेंटी सिक्स हमारे पास क्यों है प्रणव आनंद हमारे क्या है प्रणव आनंद जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रैंड तो मास्टर बनने के लिए आपको ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से ज्यादा पॉइंट है जो अचीव करने पड़ेंगे मतलब एक जो एज होती है ना पर्टिकुलर एज में ही ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट देखिए इंडिया बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट एज पर निकाई एशिया रिपोर्ट निकाई एशिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट जो ऑटोमोबाइल की जो मतलब जो सप्लाई रहा है तो उसमें थर्ड लार्जेस्ट बन चुकी है कौन इंडिया बन चुकी है लेकिन जब इंडिया बनी तो इंडिया ने कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको ओवरटेक किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी जापान को ओवरटेक किया अगर इंडिया थर्ड नंबर पर आ, पहले नंबर पर कौन आती है पहले नंबर पर आती है चाइना सॉरी यूएस लिखा था मैंने पहले नंबर आती है चाइना दूसरे नंबर पर आती है यूएस दूसरे नंबर पर आती है यूएस और तीसरे नंबर पर आप कौन आ गई इंडिया फोर्थ नंबर पर हमारे पास कौन सी आ गई जापान फोर्थ नंबर पर कौन सी आ गई जापान आ गई ठीक है तो ये एक रिपोर्ट है किसकी तरफ से निकाय एशिया की रिपोर्ट की रिपोर्ट आ, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आई थी ये कुछ वैल्यूज दी है नंबर दिए हैं कि इतने मतलब डिलीवर किए हैं इतनी यूनिट्स भेजी गई हैं तो इन सब में हमें देखने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा ये यू नहीं है लेकिन आप एक बार रीड आउट कर लेना नेक्स्ट दिल्ली बेंगलोर वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑफ 2022 2022 के टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स में क्या आ रहे हैं एक तो दिल्ली का एयरपोर्ट आ रहा है दूसरा कौन सा है बेंगलोर का एयरपोर्ट आ रहा है अब जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो कौन सा एयरपोर्ट है हमारे पास आईजीआई है ना दिल्ली का एयरपोर्ट है जो उसका कौन सा एयरपोर्ट है आई इंदिरा इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ठीक है लेकिन अगर मैं बेंगलोर की बात करूं बेंगलोर में ऐसा कौन सा है तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा के आईए के आईए के आई के उसका कैंपी गावडा कैंपी गाउडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहा गया बेंगलोर का ठीक है ये दो एयरपोर्ट है ये बेंगलोर का है ये दिल्ली का अब जो बेंगलोर का है वो कौन से रैंक पर आया वो सेकंड पोजीशन पर आया जो दिल्ली का वो कौन से पोजीशन पर आया वो सेवंथ पोजीशन पर आया लेकिन अगर मैं ये पूछूं फर्स्ट पोजिशन पर कौन है तो फर्स्ट पोजिशन पर हानिदा हानिदा एयरपोर्ट है हानिदा एयरपोर्ट है जो कहां का है जापान का है जापान में कहा टोक्यो ठीक है स्पेलिंग गलत हो गई टोक्यो के कोई बात नहीं देख लेना ठीक है वहां का एयरपोर्ट है ये ठीक है जो सबसे पहले नंबर पर आया जो किस नंबर पर आया सबसे पहले नंबर पर अब ये एयरपोर्ट है इनकी रैंकिंग किस बेसिस पर दी गई है देखो दिल्ली की ये बात करें तो दिल्ली की जो रैंकिंग दी है वो इस अकॉर्डिंग दी गई है कि दिल्ली से जितनी भी फ्लाइट्स गई हैं उसमें एट्टी वन परसेंट जो फ्लाइट है वो ऑन टाइम गई हैं मतलब ऑन टाइम फ्लाइट्स गई हैं मतलब इनमें से मतलब देखा है चार लाख से भी ज्यादा फ्लाइट थी जिनकी इन्होंने काउंटिंग की है चार लाख से भी ज्यादा फ्लाइट जो गई हैं कितनी मतलब ऑन टाइम गई है मतलब लेट नहीं हुई तो इस चीज की बात करें अब जो ये डाटा दिया गया डाटा किसकी तरफ से दिया गया है है क्रियम लिस्ट है, उसकी तरफ से ये डाटा है जो वर्ल्ड के जितने बेस्ट परफॉर्मिंग एयरपोर्ट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं ये ये सारी की सारी लिस्ट है ठीक है पहले नंबर पर टोक्यो जापान दूसरे नंबर पर बेंगलुरु सातवें नंबर पर हमारे पास कौन है इंडिया थ्री डे सेवेंटीन प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस बिगन इन इंदौर मध्य प्रदेश अब मध्य प्रदेश में इंदौर में जो सतारवां भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस है वो की शुरुआत हुई थी कब आठ जनवरी तो और खत्म कब हुआ था दस दिसंबर को खत्म होता कब खत्म हुआ दस दिसंबर क्योंकि तीन दिनों की थी अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज आ जाएगी कि जो यहां पर चीफ सॉरी चीफ गेस्ट रहे चीफ गेस्ट कौन रहे चीफ गेस्ट की बात करें तो जो प्रेजिडेंट है किसके गुवाना के जो प्रेसिडेंट है वो यहां पर क्या रहे हैं चीफ गेस्ट हैं अब गुवाना के प्रेसिडेंट का नाम हमारे पास क्या है तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा मोहम्मद इरफान अली कौन मोहम्मद इरफान अली ठीक है जो यहां पर कह रहे हैं चीफ गेस्ट है। लेकिन इसके इस मतलब इस गे गे मतलब मोदी जी की एंड द्रौपदी मुर्मू जी की उन्होंने क्या किया था स्टार्ट किया था अब जैसे कि आप सभी को पता है कहां पर हुआ है या मध्य प्रदेश में हुआ मध्य प्रदेश में कहां पर इंदौर में तो मध्य प्रदेश और इंदौर जो उनके सीएम है वो क्या रहेंगे वो होस्ट रहेंगे जिनके द्वारा होस्ट किया जाए मैं क्या कर रहा हूं जो हमारे पास चौहान जी हैं उनके द्वारा ये किया गया था होस्ट किया गया था ठीक है प्रवासी भारतीय अब इस दिन की एक थीम भी थी इस दिन की एक थीम भी थी थीम क्या थी प्रवासी ए रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन दी अमृतकाल अब अमृतकाल से मेरा क्या मतलब है अमृतकाल से मतलब है जब इंडिया की हंड्रेड इंडिपेंडेंस होगी उसको ये रेफरेंस कर रहा है ऐसे अमृतकाल के तौर पर ठीक है कि उसमें मतलब जो प्रवासी एनआरई जितने भी हैं वो जितने भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इंडिया को मतलब बेटर बनाने के लिए शिवराज सिंह जी चौहान भारतीय देव क्यों स्टार्ट किया जाता है छोड़ो नेक्स्ट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल दो कहां पर हेल्ड किया जाता है गुजरात में अब जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है काइट फेस्टिवल ज्यादातर कब मनाया जाता है जब जो, जो ये हमारे पास बसंत पंचमी आती है ठीक है तब मनाया जाता है अब गुजरात में मनाया जाता है गुजरात में एक, एक आ, स्पेशल इनको जगह स्पेशल जगह तो नहीं कहूंगा गुजरात में कहा तो मेरे पास क्या आ जाएगा रिवर फ्रंट साबरमती रिवर फ्रंट पर फेस्टिवल है वो वहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा कौन सी तारीख को आठ से लेकर चौदह जनवरी आठ से लेके चौदह सारा का सारा इन्होंने ना जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी के थीम के अकॉर्डिंग इस चीज को काम करें क्या जी ट्वेंटी के थीम पर ही ये काम करे जी ट्वेंटी की थीम क्या थी क्या थी वन अर्थ एक अर्थ है वन फैमिली एक फैमिली और एक ही फ्यूचर है सभी का क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल कंट्रीज भी आके पार्टिसिपेट करती हैं अगर इंटरनेशनल की कंट्रीज की बात करें सिक्सटी प्लस ज्यादा कंट्रीज है ऐसे अलग अलग नेशंस हैं जो इंडिया में आएंगे या आ चुके हैं और यहाँ पर काइट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं 68 नेशंस हैं यहाँ पर ठीक है जो यहाँ पर काइट्स में फेस्टिवल करते हैं ठीक है और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव कार्ड फ्रॉम सिक्सटी एट कंट्रीज जो डिस्प्ले किए जाएंगे ठीक है अगर पार्टिसिपेंट की बात करें सिक्सटी फाइव फाइव क्लायर्स जो है वो इंडिया के या फोर्टीन स्टेट्स एंड सिक्सटी फ्लायर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब ऑलमोस्ट ऐसा कह लो सात सौ से ज्यादा तो लोग ही हैं जो पतंग उड़ाएंगे जो काइट्स को उड़ाएंगे ठीक है जो उड़ाएंगे पतंग वो सात सौ से ज्यादा ही हो पतंग कितनी उड़ेंगी तो हजारों की गिनती में होगी वो तो ठीक है अब कौन कौन सी कंट्री है जो आ रही है ऑस्ट्रेलिया कनेडा फ्रांस रशिया जर्मनी ग्रीस और ये सारी कंट्रीज है जो यहां पर इसमें आएंगी और पार्टिसिपेट करेंगी इस काइट के फेस्टिवल में ओके जी दैट्स ऑल फॉर टुडे आज के लिए इतना बहुत है और इसके जो नोट आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे अगर हमारे आपको टेलीग्राम चैनल का नाम नहीं पता तो उसका नाम है सक्सेस ट्री ऑनलाइन अगर मिल नहीं रहा तो डिस्क्रिप्शन में हमारे यहाँ लिंक भी होगा उस पर क्लिक कीजिए वो डायरेक्ट आपका टेलीग्राम का चैनल खुल जाएगा उसको ज्वाइन कीजिए वहां पर आपको नोट्स इंफॉर्मेशन जो भी मतलब नई वैकेंसी है उसके बारे में सारा कुछ पता चलता रहेगा ओके चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे टेक केयर बाय व्यूमेन जय हिंद